कला एकेडमी, सांस्कृतिक मंत्रालय न्यू दिल्ली और संसार चंद बारू चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीनगर, इनके द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का ये श्रीनगर का कैंप 21 से 26 तारीख तक चलते रहा, जिसमें 15 कलाकार इस देश के विविध प्रांत से आए थे और इन्होंने कलाकृति साकार की है। दाल लेक ये क्या कल्चर है, दाल लेक की सैर करने के बाद कलाकारों ने कश्मीर का एक अनन्य महत्वपूर्ण ये विषय अपने कलाकारी द्वारा साकार किया। जब भी इन्होंने दाल लेक में प्रवेश किया, उनका रहन मान, वो पानी के ऊपर की खेती, इसके अंदर शाल और उलन के कपड़े, इसका मार्केट और विविध वस्तुओं द्वारा जो सजा हुआ दाल लेक उन्होंने देखा और इसी को विषय बना के उन्होंने अपने इस चित्र वर्कशॉप में साकारा। ललित कला के एकेडमी के ओर से ये बहुत ही एक अलग अनुभव कलाकारों द्वारा रहा और राष्ट्रीय कला एकेडमी इस तरह से अनेक कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में भी करेगी और अपनी अलग जीवन शैली की विविधता इसके द्वारा सामने लाने की कोशिश करेगी। ललित कला को लेकर के लिए ये बहुत सुंदर एक ऐसा क्षण रहा जो कलाकृति द्वारा उन्होंने निभाया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश जयवंत राव जगताप पुणे से आया हूँ। मैं अभिनव कला महाविद्यालय में 34 इयर्स टीचिंग का काम किया है और उधर का ही स्टूडेंट हूँ। मेरे पेंटिंग में मैंने इधर का डाल लेक का जो माहौल है उससे कुछ फॉर्म लिए है। जैसे फ्लावर का एक बाजार रहता है और बोट से वो आते हैं फ्लावर बिकने के लिए, तो वो मेरे ध्यान में था, इसलिए मैं थोड़ा सा वार्म कलर्स यूज किया है और नीचे कूल कलर्स यूज किया है और उसका बैलेंस ऊपर दिखाया है। तो थोड़ा सा इधर आके थोड़ा सा मैं बहुत इम्प्रेस हो गया ये फ्लावर्स की बाजार से, और वो आते हैं ना बोट में लेके, तो बहुत बढ़िया लगता है। दूसरा, मैंने इधर देखा दाल का, दाल लेक का, तो इसमें क्या है कि मेरे शिकारा है और जो नेचर का जो रिफ्लेक्शन है वो मुझे बहुत इम्प्रेस हो गया मैं उससे, तो उससे मैं उनका ये दिखाया इधर। और ये पेंटिंग में एक लेडी फ्लावर सेल करने की आई है, तो वो थोड़ा मैंने इंडियन स्टाइल में किया है, जो इंडियन स्टाइल में ट्रांसपेरेंसी रहती है कपड़े की, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, वो मैंने किया। और उसके हाथ में मैंने लिली के पत्ते, क्या वो वो मैंने दिखाया है, तो एक सिंबॉलिक उधर फॉर्म बताया मैंने कि हम कश्मीर में है, श्रीनगर में है। इसलिए ये कैंप ललित कला एकेडमी और ये ट्रस्ट जो है उनके कोलैबोरेशन से ये कैंप हो गया। मैं दोनों का बहुत आभारी हूँ और स्पेशली वो उत्तम जी पाचार्ने सर का और ऋषि मैडम का कि उन्होंने इधर हमको बुलाया और बातचीत करवाई, थोड़ी सी लेन देन हो गई, कुछ दिमाग में नया हमको मिल गया, तो आगे जाके हम आर्ट का ऊपर कुछ नया सोच हमारे पेंटिंग में आएगी ऐसा मुझे लगता है। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भोसले है, मैं पुणे का रहवासी हूँ, पुणे फाइन आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट, और वहीं पे मैंने सर्विस करके 30 ईयर्स सर्विस करके मैं जस्ट रिटायर हुआ हूँ। ललित कला ने जो ये हमें अपॉर्चुनिटी दी है, ये सब मेरे जीवन में सबसे बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आज तक बहुत से कैंप अटेंड किए हैं, मैं खुद ऑर्गेनाइजेशन भी करता हूँ, लेकिन ललित कला का जो काम कैंप मिलता है तो उसका उसका बात ही अलग होती है। तो ये जिस जगह पे किया है बहुत ही बेहतरीन जगह है, ये जो चश्मीशाही एरिया है पूरे पहाड़ी इलाके में और बिल्कुल शांत, यहाँ पे किसी का डिस्टर्बेंस नहीं है,
यहाँ का काम करने में जो शांति लगती है वो शांति यहाँ बिल्कुल बहुत ही बढ़िया थी। और ऐसे क्या ललित कला हमेशा अरेंज करेंगे ऐसा मुझे लगता है। ललित कला के जो चेयरमैन साहब जो नए आए हैं उन्होंने जो ये पहली बार हमें यहाँ पे चांस दिया और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली कैम्प में आने के बाद एक तो श्रीनगर है भारत की है इंडिया का सबसे बड़ा बेटर इंडिया का सबसे बेटर जगह है जितने बोल किया कहा जाता है कश्मीर रिजर्व वेरी गुड प्लेसेस एंड अदर नेचर इज ए वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे हम जब आए कैंप के लिए तो जगह तो रहने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, काम करने में भी मज़ा आया। जिस फर्स्ट डे जो दाल लेक का शेयर करवाया वो भी बहुत ही बढ़िया था। मैं तो यहाँ पे बहुत बार आया हूँ, मुझे लगता है मेरा ये 7वां टाइम होगा यहाँ पे आने का। लेकिन अभी ये काम करते वक्त ये हुआ कि यहाँ का नेचर लेके काम करना था तो उसमें कलर स्कीम के बारे में तो फिर वो ऑटोमेटिकली ग्रीन और ब्लू का ही ज़्यादा इस्तेमाल मैंने मेरे काम में किया है। हेलो, मैं जावेद इकबाल, मैं आर्टिस्ट हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ फ्रीलांस काम करता हूँ बहुत टाइम से। तो यहाँ अच्छा लग रहा है कैंप में, तो यहाँ पर एक कैंप हो रहा है जो ललित कला एकेडमी कलेब्रेशन है उनके मास्टर संसार चंद चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। तो यहाँ पर एक कैंप हो रहा है जिसमें 15 आर्टिस्ट है और यहाँ का एक जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है या एक काम से लेकर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है टेक्निक्स को लेकर या अपने कलर को लेकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सीखने में बहुत कुछ मिलता है। आज हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ के कैंप में। खैर, स्टूडियो काम में और कैंप काम में बहुत फ़र्क है। स्टूडियो में एक फोकस काम होता है और जो भी एक्सपेरिमेंट होती है एक्सपीरियंस होती है अपनी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको लेके काम किया जाता है। लेकिन कैंप एक डिफरेंट चीज़ है। कैंप में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे स्टेट से होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है। तो हर एक आर्टिस्ट कहा जाता है कि ही इज इंस्टीट्यूट विद, तो अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूट होता है। तो दूसरों को देखकर एक एक शेयर होता है, एक्सपेरिमेंट शेयर होता है, कल्चर शेयर होता है या जितने आर्ट को लेकर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो शेयर होते हैं, उनकी टेक्निक, उनका कलर सेंस, कुछ एक्सपीरियंसड भी होते हैं तो उन एक्सपीरियंस कलर सेंस एक्सपीरियंस टीचर से लेके हम देखते हैं कि उनका टेक्निक कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा काम करते हैं वो। या आज की डेट में अगर देखेंगे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं या नए मीडियम्स आए हैं उनमें क्या फ़र्क है, कैसे करना चाहिए, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर देखा जाए तो। जितने सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे हम ये करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ और हमें सीखने को मिले और वो भी खुल के काम करते हैं हम, तो ये एक अच्छा एक्सचेंज होता है, एक अच्छा वर्कशॉप होता है जिससे फ़ायदा मिलता है आर्टिस्ट, सब आर्टिस्ट को, सीनियर हो जूनियर हो सबको। ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस में जो जबरवन हिल्स है माउंटेन उनको प्रोजेक्ट करके बीच में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स है या हाउस बोट है या शिकारा है ये उनका एमलगम है, ये एक ही बोट नहीं है, उनका सुपर इम्पोजिट कंपोजिशन है, एक प्रोजेक्शन है, नीचे वाटर है और उसका रिफ्लेक्शन है। तो कुल मिलाकर ये खूबसूरत कलर जो है डल के जो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टोन्स पैदा करता है, डल डिफरेंट शेड्स पैदा करते हैं जब सनराइज होता है मोस्टली सनसेट के टाइम, तो जितना ये होता है तो उस कुल मिलाकर उस सिचुएशन को ये दर्शाने की कोशिश है और ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। श्रीनगर आके बहुत ही डिफरेंट लगा, यहाँ पे जो मतलब माहौल है वो बहुत ही पीसफुल है और यहाँ पे काम करना अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं, ये मेरा पहला कैंप है जिसमें सीनियर आर्टिस्ट इतने सारे हैं और सबके अलग अलग वर्क है और उसके बावजूद भी सब एक जो कॉन्सेप्ट मिला है लाइफ इन डल लेक वो सबके अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट एक है बट सबके काम डिफरेंट है। ये मैंने कुछ थोड़ा सा रियलिस्टिक फॉर्म दिखाने की कोशिश की है जो शिकारा है और बैकग्राउंड में मैंने एक पैच वर्क दिया हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू नाथ गोस्वामी नई दिल्ली से आया हूँ एक कैंप में जो ललित कला एंड मास्टर संसार चंद ट्रस्ट को अरेंज किए हुए हैं और मैंने यहाँ पर सभी आर्टिस्टों के साथ में एक काफ़ी सारा मैंने एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ
काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी आए हुए हैं और सभी को पता है कि श्रीनगर कश्मीर जो है संसार के सबसे बड़ा जन्नत जगह है, जो इतना बढ़िया यहाँ पर सब कुछ नेचर में जो देखने को मिल रहा है और जो महसूस हो रहा है, उस चीज़ को हम पेंटिंग्स पे भी लाने की कोशिश किए हैं, जो एक हमारा डल लेक लाइफ के ऊपर एक प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है जिसपे हम लोग सभी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ। इसके अंदर मैं खूबसूरती और ब्यूटी दिखाने की हमने कोशिश किया हुआ है कि कश्मीर में क्या ब्यूटीज़ हैं और नेचर से क्या यहाँ प्रकृति को क्या करिश्मा का यहाँ पर जो दिखाया गया है यहाँ पर, उस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा हूँ, जिसमें कलरफुल एंड सारा बोट्स के और एक ब्यूटी लेडीज और फ्लावर्स सब कुछ एवरीथिंग कंप्लीट को मैं एक अच्छा से प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा यहाँ महसूस भी कर रहा हूँ। और ललित कला एंड जो ट्रस्ट है जो इनको अरेंज किया उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत अच्छी तरह से, एंड धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रामचंद्र पोकले है, मैं नई दिल्ली से आया हूँ इस कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कैंप जो ललित कला एकेडमी और मास्टर संसार चंद बारू ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो कि श्रीनगर के चश्मेशाही में आयोजित किया जा रहा है। इसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर कलाकारों का जमावड़ा हुआ है और सब लोगों ने अच्छा काम किया है। इस कैंप में आकर सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ का जो चश्मेशाही का एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो माहौल है, वो कला के लिए कलाकारों को काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि एकदम यहाँ शांति है, किसी तरह का शोर शराबा नहीं है, पूरा नेचुरल हैबिटेट है और उसमें हम काम कर रहे हैं, तो काफ़ी आनंद आ रहा है काम करने में, काम अच्छा भी हो रहा है। अभी मैं जो पेंटिंग बना रहा हूँ इसमें मैंने दर्शाया है कि यहाँ डल लेक के जीवन पर हमें पेंटिंग बनानी थी और उसमें नाव में बैठकर जाती हुई एक कश्मीरी लड़की, जो कि डल लेक में हमने पहले दिन जब विजिट किया तो उसमें ये सब हमने देखा कि किस तरह से लड़कियां भी यहाँ नाव चलाती है और अपने सारे घर के काम करने के लिए घर से निकलती हैं और बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ है और लोग बड़े प्रेम से सौहार्द से यहाँ पेश आते हैं। मैं पहली बार श्रीनगर आया हूँ और यहाँ के लोगों का जो रवैया देखा है वो काफ़ी दोस्ताना है, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं और जैसे कि हम सुनते आते आए हैं अब तक कि यहाँ का माहौल बड़ा डरावना सा रहता है, इस तरह का मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आया। ये मेरे दूसरी पेंटिंग भी है जिसमें भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जिसमें काफ़ी काम करना अभी बाकी है, दोनों पर मैं साथ साथ काम कर ही रहा हूँ। इसमें भी मैंने डल लेक में जो बोट खड़ी रहती है वो और वाटर लिली के पत्ते दिखाने की कोशिश की है। मेरा नाम नौशाद गयूर है, मैं कश्मीर से हूँ, आर्टिस्ट हूँ और साथ में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। तो ये अच्छा लगा ललित कला एकेडमी ने ये कैंप किया मास्टर संसार चंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन में। सो भिन्न भिन्न स्टेट से डिफरेंट स्टेट से यहाँ आर्टिस्ट आए, अच्छा लगा उनका टेक्निक देख के। एक एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने उनके टेक्निक और वो एक्सचेंज उनका जो काम करने का तरीका वो देखा कि जो, और दूसरी चीज़ इसमें थे कि ये जो एक टॉपिक दिया गया था तो उसी एक टॉपिक को डिफरेंट तरीकों में अपने अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से कैनवसों पर डोया, तो काफ़ी अच्छा लगा कि हर एक बंदे का क्या नज़रिया था डल लेक को देखने का। सो उम्मीद है कि आगे भी ललित कला ऐसे प्रोग्राम करते रहे। ये जो पेंटिंग है इसमें मैंने येलोज ऑरेंज और ब्राउन्स यूज़ किए हैं, तो ये जो अभी इस टाइम का सीज़न है जिसको हम ऑटम कहते हैं और कश्मीरी में उसको हर्द कहते हैं, ये काफ़ी एक फेवरेट सीज़न हर एक बंदे का रहा जो भी कश्मीर आना चाहता है, तो वो इसी सीज़न में यहाँ गिरते हुए पत्ते चिनार के उनके बदलते हुए रंग, तो अपने रंगों में मैंने इसको डोया है। तो लेकिन ये जो डल लेक है तो कई सालों से मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो इसमें एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार चिनारी, एक छोटा आइलैंड है जिसको हम चार चिनारी कहते हैं, जहाँ चार चिनार दरख्त चार लगे हैं, तो वो मेरा सब्जेक्ट है तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ पे मैं ऑलरेडी मुझे ललित कला ने
एक साल का स्कॉलरशिप भी दिया हुआ था। ललित कला अकादमी जो है ये हमेशा से ही एक बहुत बड़ी संस्था है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आर्ट के प्रमोशन के लिए, आर्ट को फ्लोरिश करने के लिए। तो उन्होंने किसी भी हालात में, किसी भी मौसम में, वो हर एक एरिया में, इंडिया के हर एक एरिया में और इंडिया से बाहर भी अपनी एक्टिविटीज को कायम रखा है। और जैसे भी जो भी बाधाएं आई है मौसम के ताल्लुक से या क्लाइमेट या वेदर के ताल्लुक से या कुछ प्रॉब्लम जो उनको उन्होंने अंडरमाइन करके आर्ट एक्टिविटी हमेशा कायम रखी है, हमेशा चालू रखा है, यंग जनरेशन को देखने को हमेशा मिल रहा है। तो मैं उनको बार बार मैं उनको कांग्रेस बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम किशोर रॉय है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो ललित कला एंड संसार चाँद बाड़ू इसके कोलाब्रेशन में एक कैंप हो रहा है, एक अलग एक्सपीरियंस है। एक कैंप में हम सब्जेक्ट को पकड़ के एक काम कर रहे हैं हम लोग। आप देख रहे हैं राइट साइड में मैं एक डाल लेक को एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ कंपेयर किया। जो मुस्लिम कल्चर है इसमें है डाल लेक का जो चुनार का पेड़ है, एक चुनार का पेड़ को मैंने लेके आया, प्लस उसका जो खुशहाल बदिया वो भी है इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक थीम है डाल लेक को मैं एक सुंदर एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ दिखाया, जो मैं डाल लूँ, आप आओ मेरा ब्यूटीफुल मेरा जो सौंदर्य है उसको आप उपभोग करो। मैं भास्कर सागर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ललित कला और संसार मास्टर बारू चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें यहाँ राष्ट्रीय कला कार्यशाला में मौका दिया पेंटिंग करने के लिए, यहाँ इन्वाइट कर लिया और ये इसे सभी आर्टिस्ट के साथ मिलजुल कर पेंटिंग करने का एक अलग सा ही आनंद यहाँ मिला। और यहाँ खूबसूरत कश्मीर की तस्वीर बनाने के लिए ये हम इंस्पायर हुए। स्टूडियो में बैठकर काम करना और यहाँ कैंप में आकर काम करने से बहुत अंतर होता है। स्टूडियो में अकेला ही आर्टिस्ट सोच के और अपने दिमाग से पेंटिंग बनाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद सभी आर्टिस्ट के साथ काम करना, मिलजुल कर सभी का स्टाइल, काम करने का अंदाज ये बहुत ही अलग रहता है। इसलिए यहाँ का जो है खूब बहुत डिफरेंट होता है और यहाँ बहुत आनंद मिलता है सभी के साथ करने के लिए। और इसे सभी वैरायटी के पेंटिंग्स यहाँ दिखाई देते हैं उनके स्टाइल के। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि मेरा कश्मीर का पहला टूर है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर से हम जब कैंप में जाते हैं, क्योंकि आर्ट कैंप है, कैंपों में हम कुछ चित्रकार को तो हम जानते हैं मगर कुछ नए मिलते हैं। तो उसी तरह से इस बार भी कई यंग चित्रकार मिले, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने उनको देखा और उनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा उनसे बड़ा ही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस कैंप का काफ़ी लंबा रहा है। तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ जब अपने से यंग आर्टिस्टों को काम करते हुए देखता हूँ। और नए लड़के जो आते हैं नए तरीके के एक्सप्लोर करते हैं काम को लेके, उनका वो देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ रंगों को देखा और फिर हमने भी कोशिश की उस तरह के रंगों को अपने चित्रों में लाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। कश्मीर में वैसे पहले भी आ चुका हूँ मैं, लेकिन इस बार एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा, क्योंकि हम एक बहुत खूबसूरत जगह परी महल के पास रुके, बहुत सेक्लूडेड और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। बहुत सारे आर्टिस्ट जो हमारे साथ आके एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, उनका सोच, उनका जो रंगों का जो एप्लीकेशन है, उनका जो काम करने का तरीका है, एक दूसरे का सारे लाइफ का जर्नी है, हम एक्सपीरियंस शेयर किए, एक साथ खाना खाना, एक साथ घूमने जाना, एक साथ सारा कुछ इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। यहाँ आके एटमॉस्फेयर में जो एक एनर्जी है, वो हम जो कमरे में काम करते हैं उसमें जो एक कॉन्शियसली काम करते हैं, हम जो जानते हैं वही करते हैं,
लेकिन इस एटमॉस्फेयर के वजह से सारे जितना भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो अपना सबकॉन्शियस कलर को लेके काम कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं जो अंदरूनी एक अलग रंग है उसको लेके, वो सबसे बड़ी मजेदार बात है इस कैंप में। अभी डल लेक गए थे तो डल लेक का ऑटम का जो रंग है, ऑटम का जो खूबसूरती है झाड़ियों में वहां का वादियों में, मैं उसको कैप्चर करने का कोशिश किया कुछ रंग से, लेकिन ये पता लगता कि ये उसी का ही एक डल लेक का एक हिस्सा है। आज जो भी हम काम कर रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है ललित कला अकादमी का, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को एक साथ लाया है और माता संसार ट्रस्ट भी इसमें शामिल है, तो एक बहुत ही अच्छा एक कैंप है हमारे लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कैंप का एक अलग ही मजा है, यहाँ का जो एटमोसफेयर है माहौल है ये काम के लिए बहुत सूचक है, प्लस जिस जगह हम कह रहे हैं वहाँ से ये डल नजदीक है तो यहाँ से काफी अच्छा एक मूड काम के लिए क्रिएट हो रहा है और काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं। डल लेक को मैंने फीमेल के स्वरूप में मैंने चित्रित किया है और उसके बालों में मैंने काफी कुछ इफेक्ट क्रिएट किया है, जैसे चिनार के पत्ते हैं उसमें, लोटस दिखेंगे, पानी के कुछ वेव्स है उसमें, प्लस मैंने शिकारा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में, एक जो पेपर बोट होती है हमारी उस तरीके से मैंने शिकारा दिखाया हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल ओशहरा है, मैं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं एज ए आर्ट टीचर लेह नवोदयालय में जॉब कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट नेशनल आर्ट कैंप है और यहाँ पे सभी मेरे से सीनियर कलाकार हैं, मैं ही सबसे छोटा और यंग कलाकार हूँ, एंड ये मेरा आर्ट वर्क है। तो बेसिकली मैं एफटेक होम में काम करता हूँ और मेरे लिए एक चुनौती है कि डायरेक्ट फिगरेटिव में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों ना मैं अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक डल लेक का ये भी एक कॉन्सेप्ट भी रहे और मेरा जो जिस फॉर्म में मैं काम करता हूँ वो भी एक बना रहे। तो मैंने इसमें डल लेक की जो लहरें होती हैं, तो डल लेक में मैंने कलर्स जो ऑब्जर्व किया, यहाँ पे एकदम येल्लो दिख रहा है, कहीं पर वाइट जाकि नाव है, उसका एक कलर्स वो रिफ्लेक्शन रूप में मैंने यूज़ लिया है यहाँ पे लहरों के साथ में। दूसरी पेंटिंग में मैं यहाँ पे आया, हम लोगों को सबसे पहले डल लेक दिखाया गया, पूरा भ्रमण किया हमने, तो मैंने यहाँ पे पाया पुल बना हुआ है एक, और कहीं कहीं डल लेक को अतिक्रमण किया जा रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नए नए घर बनाए जा रहे हैं मतलब, तो और मैं इससे पहले कंस्ट्रक्शन सीरीज पे वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे देखा कि मैं जो जिस सीरीज पे वर्क कर रहा हूँ वही मुझे यहाँ पे अपना काम करने के लिए वही एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, क्यों ना उसी सीरीज पे डल लेक को लेके वर्क किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम साहिल ओरी है, मैं जम्मू से हूँ, मुझे कैंप में बहुत अच्छा लगा, मैं सीनिक ब्यूटी पे काम कर रहा हूँ डल लेक की, तो जितने भी उसके डल के आउटर अंदर के वो हैं एस्पेक्ट्स की, अंदर की जो लाइफ है हम उसको पेंट कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने विजिट किया, उसके बाद हम इसको पेंट कर रहे हैं कि एक्सप्रेशंस हम इसमें कैनवस पे ला रहे हैं। इसके स्टूडियो में तो हम एकांत में अपने काम करते रहते हैं कि अपना काम किया फिर अपना डेली लाइफ का काम कर लिया, इसमें है कि इंटरेक्शन होती है, जो कन्वर्सेशन होती है कि कैसे मतलब किया जाता है आर्ट वर्क में, क्या चल रहा है और बाकी आगे आर्ट का क्या मतलब वो है, क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक का अपना अपना देखने को सुनने को करने को विजुअल करने को मिलता है। नेचर में तो इतने वास्ट कलर्स हैं, हम ये है कि कोशिश करते हैं कि हम उसमें से कुछ ना कुछ नेचर से हम लें और उसको पेंट करने की कोशिश करें और एक्सप्रेस करें कि उसका क्या वर्क ऑफ आर्ट होता है, उससे बहुत सारे कलर्स हैं। और ये जो मतलब ललित कला एकेडमी ने न्यू दिल्ली ने करवाया है और कोलैबोरेशन ऑफ मास्टर संसार चंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट ने, और बहुत अच्छा इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि बाकी आर्टिस्टों को काम करने में इसमें आगे और ज़्यादा इनकरेज होगी।